वेलकम बैक टू संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट। आइए हम फ्लेक्सिबल रबर होच के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबल रबर होच आपको दो तरह के होते हैं, एक तो कोरूगेटेड टॉप होता है जो आफ्टर मेकिंग कवर पूरा कंप्लीट करने के बाद नायलॉन टेप अप्लाई करने के बाद एक रोप को पिच मेंटेन करते हुए और ऊपर के शेप को करुगेटेड शेप दिया जाता है। और होज में भी फ्लेक्सिबल होज में भी दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ बोर होता है एक रफ बोर होता है। तो रफ बोर वाले होज में क्या करते हैं, पहले रिजिड जो फ्लेंज होता है उसके ऊपर एक हेलिकल वायर का एक पिच मेंटेन करते हुए हेलिक्स वायर यूज किया जाता है, देन उसके बाद रबर देन रेनफोर्समेंट देन रबर देन रेनफोर्समेंट देन कवर लाइक दिस। और एक जो स्मूथ बोर जो होता है फर्स्ट लाइनिंग रबर आता है देन रेनफोर्समेंट आता है देन हेलिक्स वायर आता है देन मिडिल देन रेनफोर्समेंट देन कवर एंड फाइनली नायलॉन टेप के थ्रू रैप करके उसको वल्कनाइजिंग करके और रिजिड मैंडल से पुल आउट करके उसको इंटरनल शेप स्मूथ होता है और आउटर कवर होता है जो करुगेटेड होता है। सब कस्टमर प्लेन टॉप मांगते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, आउटर जो कवर अप्लाई करने के बाद उसको नायलॉन टेप से रैपिंग करने के बाद फिर उसको ऊपर से हम लोग कुछ अप्लाई नहीं करते रोप वगैरह, तो उस जो पूरी तरह से इनर साइड भी आपको स्मूथ हो जाता है आउटर साइड भी नायलॉन टेप का इम्प्रेशन से स्मूथ दिखता है। तो बेंड रेडियस का नज़र से देखा जाए तो आउटर जो है फ्लेक्सिबल होने के ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के लिए करुगेटेड होना बहुत ज़रूरी है और उसमें किंक होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन वहीं पर जब आप प्लेन टॉप लेते हो तो होज ज़्यादा बेंड करने से आप होज में किंक हो जाता है, तो किंक को अवॉइड करने के लिए करुगेटेड टॉप आप होज का ज़रूरत पड़ती है। जब आप फ्लेक्सिबल रबर होज बनाते हो तो उसमें देखना होता है हाई फ्लेक्सिबल होने के लिए आप निपल का यूज नहीं करते हो, और जहाँ पर आपको निपल की लगाते हो तो जितना एरिया निपल का रहता है सपोज उतना एरिया में आपको होज जो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।